नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। गांव में सर्वांगीण विकास कार्य करना है मनीष सिंह प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में विकासखंड बलेरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरसौता के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनीष सिंह ने मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों में देना, गांव को आदर्श ग्राम पंचायत बनाना, स्वच्छ और सुंदर बनाना। विकासखंड बलेरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरसौता के प्रधान प्रतिनिधि मनीष सिंह जीत हासिल की है। गाँव की जनता इनके कार्यों की सराहना कर रही है। प्रधान के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत ब्रेंच और कुर्सी का कार्य कराया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत ब्रेंच और कुर्सी का काम कराया गया है। गांव में चारों तरफ प्रधान की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छे हैं, ऐसा अभी तक कोई प्रधान ने नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जा सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं। मैं अपने प्राथमिक पाठशाला में बहुत सारे काम कराया हूँ, तो चाहे पानी की सुविधा को लेकर के हो, या ग्राउंड में रास्ते को लेकर के हो, या कैंपस में इंटरलॉकिंग का हो, दिव्यांग शौचालय हो, पेंट का काम हो, मिड डे मील सेट का काम हो, कई सारे काम ऐसे हैं जो आप जा करके देख सकते हैं। अपने प्राथमिक पाठशाला में मैंने करवाया है। प्राथमिक पाठशाला भरसौता और नई बस्ती में भी मैं 6 रूम का, वहाँ पे एक भी पहले शौचालय नहीं था, मैं 6 सीट वाला वहाँ पे शौचालय बनवा रहा हूँ। अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है वो भी। मास्क लाइट लगे हुए हैं, मैं लाइट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लाइट में। मैं मास्क लाइट एक आध लगवाया हूँ, जो पहले के लगे हुए हैं उनको रिपेयर कराया हूँ। हम जानना चाहते हैं, नव निर्वाचित सरकार बनी है भाजपा के उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार का पुनः ग्राम सभा विशेष ध्यान विकास के मुद्दे को हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं, जो आपके निधि में नहीं है? जी मैं जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की सरकार से मैं मांग करूंगा। अभी हम लोगों ने टाउन हॉल में मांग ये माननीय मंत्री जी दयाशंकर भैया के सामने हम लोग उठाए थे, जो हम लोगों की निधि से शौचालय का 9,000 रुपया महीना और ग्राम सहायक का जो 6,000 रुपया महीना जो कटता है 15,000 रुपया, उसमें प्रधान का भी ग्राम प्रधान का भी उसमें अपना सैलरी होता है 5,000, लगभग 20,000 हो जाते हैं। तो इस तरह से साल का एक बहुत बड़ा पैसा लोगों को सैलरी देने में निकल रहा है। तो मान लीजिए जो छोटी पंचायतें हैं उनको विकास करने में बहुत सारी असुविधा है, वो अपने निधि के माध्यम से विकास बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बड़ी पंचायतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि इन सब व्यवस्थाओं के लिए या तो अलग से निधि दिया जाए या सरकार डायरेक्ट इन लोगों के खाते में इनका बजट भेजे। जी विकास को लेकर के सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे शहर में नगर पंचायत होता है, वहाँ पे मान लीजिए कि नाली का शिवर का जो बजट आता है वहाँ पे बहुत सारे काम होंगे। गांव में जैसे मेरा ग्राम पंचायत भरसौता नई बस्ती में नाली को लेकर के बहुत सारा दिक्कत है, पानी निकास को लेकर के उसकी बजट लगभग मान के चलिए अगर बनाया जाए तो लगभग 40 से 50 लाख रुपया जाएगा, जो इतना बजट हमारे ग्राम पंचायत में शायद 5 साल में भी ना आए। तो ऐसे कार्यों के लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। आज की सबसे बड़ी समस्या जो हर ग्राम पंचायत में आ रही है वो पानी निकास को लेकर के आ रही है। जैसे मुख्य सड़क होती है ग्राम सभा की, वो साधारण तौर पे मंत्री विधायक हो चाहे सांसद जी हो, इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि उतना बड़ा बजट का रास्ता भी आप नहीं बनवा सकते हैं, नहीं आता है। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। हाँ जी, कोविड में आप किस तरह पहुंच गए थे? देखा जा रहा है सरकार ये सिस्टम बना रही है, जो कोविड में काम किए उस मंथ की तैयारी कर रही है। फिर से जरा एक बार बोलिए जी। कोविड जब लॉकडाउन लगा था जी, आप जी। अपने बगल से लोगों को सहायता किया, इस तरह सूचना आ रही है? जी बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने मदद किया है। इस मान लीजिए कि एक तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इसमें अगल बगल के लोगों को ही अगर संभव हो, यथासंभव जितना हो सकता है मदद करना पड़ता है। सरकार तो अपने स्तर से हर तरह से काम किया है कोविड काल में, चाहे फ्री राशन को लेकर के हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के हो, अपने माध्यम से सरकार ने भी काम किया है। और जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं, संवेदनशील नागरिक हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं में अपने अगल बगल पड़ोसी हो या चाहे अगल बगल के ग्राम सभा के लोग हों, उनकी मदद होनी चाहिए और करनी चाहिए, वो चाहे अपने जेब से क्यों न करना पड़े अगर संभव है तो। इसी को लेकर सरकार इसका मंथन कर रही है ताकि लोग बुला के संबंध किया जाए,
यहाँ तक आपका भी नाम हुआ। जैसे हमने सबसे पहले राशन वितरण पे ध्यान दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको अपने तरफ से व्यवस्था कराया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर के मैं शुरू से सक्रिय रहा हूँ अपने ब्लॉक में। सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगा है तो छोटी पंचायतों में शायद इसके 50% भी कहीं वैक्सीनेशन का कैंप नहीं लगा होगा। बाद में तो सरकार खुद सक्रिय हो गई, घर घर जा कर के वैक्सीनेशन लोगों को लगवाने लगी। लेकिन उसके पहले मैं लगभग मैं अपनी ग्राम सभा के लोगों को छोड़िए, मैं बाहर के कई ग्राम सभा के लोगों को वैक्सीनेशन अपने घर पे करवाया हूँ।